ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ड्राइंग कार्य करते हुए आप जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो उसे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। और आपको इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो तो उसके बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए। जैसे आप ड्राइंग बनाने के लिए ड्राइंग बोर्ड का यूज करते हो, शीट का यूज करते हो, पेंसिल, इरेजर, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर एक्सेट्रा, जो भी ऑब्जेक्ट आप यूज करते हो उन सब के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे होता है आपका ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड इसके बारे में आपको इनके सारे साइज पता होने चाहिए। और ड्राइंग बोर्ड आपका कैसा होना चाहिए, किस मटेरियल से ये बना होता है? ड्राइंग बोर्ड होता है आपका लकड़ी का बना हुआ, इसके अंदर छोटे छोटे बटन लगाए जाते हैं, चार या पांच बटन्स को आपस में जोड़कर ड्राइंग बोर्ड तैयार किया जाता है। ये जो बटन होते हैं ये आपके सीजनिंग किए हुए होने चाहिए। यदि ये सीजनिंग किए हुए नहीं होंगे तो क्या होगा, ये जो लकड़ी है कभी फैल जाएगी और कभी ये सिकुड़ जाएगी। तो सीजनिंग इसलिए लकड़ी की आवश्यकता है ताकि ना तो ये फैले और ना ही ये सिकुड़े। तो इसलिए हम सीजनिंग की हुई लकड़ी से बोर्ड बनाते हैं। पांच पैटर्न्स को आपस में मिला के एक बोर्ड तैयार किया जाता है नट बोर्डों के साथ। और इसके किनारे पर एबोनी एड्स बनाए जाते हैं। एबोनी एड्स क्या काम करते हैं, आपका जो टी स्क्वायर होता है, ताकि टी स्क्वायर का यूज हम आसानी से कर सके, यहाँ पर हम टी स्क्वायर को सेट करके ओरिजेंटल लाइन आसानी से लगा सकते हैं। अब हमारे बोर्ड के हमें साइज भी पता होना चाहिए। इसको ड्राइंग बोर्ड जो होता है उसे हम बी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मानक चिन्ह हम बी देते हैं। बी जीरो का साइज क्या होता है, इसका साइज हम एमएम के अंदर लेते हैं, 1500 × 1900 mm। ये तो है हमारा बी जीरो का साइज। बी जीरो का डिस्टेंस साइज क्या लेते हैं हम, 1500 × 1900 mm। मिलीमीटर के अंदर हमेशा हम इसको प्रदर्शित करेंगे। आगे है जैसे हमारा बी वन, बी वन का साइज हम क्या लेंगे, 1000 × 700 mm। फिर है हमारा जैसे बी टू, बी टू का हम क्या साइज लेंगे, 700 × 500 mm। इसी तरह से हमारा बी थ्री है तो इसका हम क्या साइज लेंगे, 500 × 300 mm। तो ये हमारे बोर्ड के क्या है, कुछ साइज होते हैं। इस साइज के बोर्ड के ऊपर हम ड्राइंग शीट लगाते हैं, तो ये हमें नॉलेज में रखना जरूरी होता है। जिस भी साइज की हमें शीट्स बनानी है, जितने साइज की चाहिए है, उसी हिसाब से अपना नया ड्राइंग बोर्ड ले सकते हैं। फिर है हमारा टी स्क्वायर, सेकंड आ जाता है हमारे पास टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जहां पर भी बड़े पैमाने पर शीटें बनाई जाती हैं, काफी बड़ी बड़ी होती हैं, जैसे नैरेट ब्रिज, स्कूल बिल्डिंग्स की आगे, कोई भी बड़े बड़ी बड़े ऑब्जेक्ट पे जब शीटें बनाई जाती हैं तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, टी स्क्वायर का। टी स्क्वायर का प्रयोग करते हैं हम ओरिजेंटल लाइन लगाने के लिए। कौन सी लाइन लगाने के लिए, ओरिजेंटल लाइन लगाने के लिए। जहां भी हमें यदि लंबी लंबी लाइनें लगानी होती हैं, वहां पर हम ड्राइंग बोर्ड के ऊपर टी स्क्वायर सेट करके ओरिजेंटल लाइन का प्रयोग करते हैं। ओरिजेंटल लाइन जब भी हम टी स्क्वायर का यूज करेंगे, हमेशा लाइन को हम लेफ्ट टू राइट ही लेके
लेके जाएंगे, ना कि कभी भी राइट टू लेफ्ट नहीं लेके आना, हमेशा लेफ्ट टू राइट। इसके नीचे के एरिया को ब्लड कहा जाता है। और यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाया जाता है, यहाँ पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और नीचे के एरिया को क्या कहा जाता है, ब्लेड। हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए टी स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। फिर आते हैं हमारे सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर का प्रयोग हम कहां करेंगे, फिर है हमारा सेट स्क्वायर। स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। टी स्क्वायर से हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करते हैं, और इसी पर सेट स्क्वायर को सेट करके हम वर्टिकल लाइन लगाते हैं। पैरेलल लाइन भी हम लगा सकते हैं इसी से, और वर्टिकल लाइन भी हम सेट स्क्वायर के साथ यूज करते हैं। दो प्रकार से होते हैं सेट स्क्वायर, एक 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री, और एक होता है हमारा 90 डिग्री और 45 डिग्री, जिससे कि हम वर्टिकल लाइन और एंगुलर लाइन लगा सकते हैं। ये हो गया हमारा सेट स्क्वायर। फिर है हमारे स्केल। सेट स्क्वायर जो होता है ये प्लास्टिक के बने होते हैं। डायमेंशन देने के लिए हम स्केल का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, विड्थ और हाइट, लेंथ, विड्थ और हाइट, तीनों चीजों को मापने के लिए हम स्केल का प्रयोग करेंगे। स्केल कई प्रकार से मिलती है, जैसे कार्डबोर्ड का है, वुडन का है, और जैसे आपके प्लास्टिक की है। स्केल जो है प्लास्टिक वाला, वो उसके आगे से जो एज होते हैं वो बेवल्ड एज होते हैं प्लास्टिक के स्केल के। क्या होते हैं, बेवल्ड एज, ताकि आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल सही लगाई जा सके। इसलिए उसके जो एज होते हैं वो बेवल्ड होते हैं, आगे से थोड़े मुड़े हुए होते हैं। तो कोई भी लेंथ, हाइट और विड्थ, इन सबको मेजरमेंट करने के लिए हम स्केल का प्रयोग करते हैं। फिर है आपके फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व होते हैं जैसे आप कोई भी शेप बनाते हो, किसी भी प्रकार की, कई प्रकार की शेप बनाने के लिए फ्रेंच कर्व का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमें ये शेप बनानी है, तो इसके हम अंदर इसको यहाँ पे रख के इसके अंदर का पार्ट्स लेकर हम ये शेप बना सकते हैं। यदि हमें बाहर की बनानी है तो इसकी हम बाउंड्री लेंगे। तो इस प्रकार हम दो प्रकार की शेप बना सकते हैं। यदि हमें अंदर की शेप चाहिए तो हम अंदर की बनाएंगे, और बाहर की चाहिए तो हम बाहर की बनाएंगे। कोई भी शेप देने के लिए फ्रेंच कर्व का प्रयोग किया जाता है। ये भी प्लास्टिक के बने होते हैं, ताकि इनसे लाइन जो है वो आसानी से लगाई जा सकती है। फिर है आपका प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर का प्रयोग आप करते हो कोई भी एंगल लेने के लिए, किसी भी प्रकार का एंगल लेने के लिए। इसका जो डाया होता है वो 100 mm का होता है। इसके अंदर जो एंगल होते हैं वो 360 डिग्री के होते हैं। 360 डिग्री का कोई भी एंगल हम इससे यूज कर सकते हैं। जैसे हमने 90 डिग्री का लेना है तो हम यहाँ से लेंगे, 70 डिग्री का लेना है तो हम यहाँ से एंगल ले
सकते हैं, ये हमारा 70 डिग्री का एंगल बन जाएगा। फिर है आपका डिवाइडर के बाद डिवाइडर, कोई भी गाइडलाइन यूज करने के लिए आप डिवाइडर का प्रयोग करोगे। आपको कम डिस्टेंस चाहिए या अधिक चाहिए तो उसके लिए आप डिवाइडर का यूज करोगे। गाइडलाइन लगाने के लिए कुछ भी आपने लिखना है, कोई कर्व करोगे तो भी आप इसे कर सकते हो। जैसे आपको पीछे बताया गया था टी स्क्वायर के बारे में बताया गया था, तो टी स्क्वायर के साइज भी होते हैं। टी स्क्वायर के जो साइज होते हैं उसको हम टी से प्रदर्शित करते हैं, टी से। जैसे हम ड्राइंग बोर्ड को बी से प्रदर्शित करते हैं उसी तरह से टी स्क्वायर को हम टी से प्रदर्शित करते हैं। तो टी जीरो का साइज क्या रहेगा आपका 1500 mm, टी वन का जो साइज है वो है आपका 1000 mm, टी टू का जो साइज है वो है आपका 700 mm, टी थ्री का जो साइज है वो है आपका 300 mm। तो ये आपको साइज टी स्क्वायर के भी याद रखने होंगे और ध्यान रखना होगा लेने के लिए कि हमने कितना कार्य करना है, तो उसी साइज के आप अपने टी स्क्वायर यूज करोगे जिस तरह से आपने काम करना है। फिर आती है आपकी पेंसिल। पेंसिल की ग्रेड होती है, पेंसिल ग्रेड तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? हार्डनेस, जो सबसे हार्ड होती है, मीडियम, जो कि मोस्टली आप यूज करते हो, मीडियम यूज करते हो, और सॉफ्ट। हार्ड की आपकी जो पेंसिल है वो 5H, 6H, 7H, 4H, ये पेंसिलें जो है आपकी ये हार्ड के अंदर काम हार्ड ग्रेड के अंदर आती हैं। जहाँ पर आपने काम की फिनिशिंग करनी होती है वहां पर आप हार्ड पेंसिल यूज करते हो। मीडियम की आती है जैसे एच, 2H, 3H, जो कार्य आप करते हो ड्राइंग के ऊपर वो मोस्टली आप इन पेंसिल से करते हो, मीडियम के अंदर जो आती है। सॉफ्ट जो आती है वो आपकी बी ग्रेड में आती है, बी, 2B, 3B, 4B, 5B। ये जो ग्रेड है इससे आप जैसे कोई चित्रकार होता है कोई डिजाइन बनाते हैं तो ये मोस्टली पेंटिंग के अंदर यूज की जाती है आपकी बी ग्रेड की पेंसिल। एच ग्रेड की पेंसिल 5X मोस्टली सबसे जो डार्क चलेगी वो आपकी 9X की पेंसिल होगी सबसे डार्क वाली, और मीडियम जो आप यूज करते हो शीट्स के ऊपर वो आपकी H2H मीडियम लेयर में जो आएगी वो आपकी ड्रॉइंग शीट में कार्य होगी। और कोई भी चित्रकारी के अंदर अगर आप पेंटिंग के अंदर यूज करते हो तो वो आपकी सॉफ्ट के अंदर आएगी। तो ये आपकी पेंसिल, पेंसिल की आपने शेप भी बनानी है। एक शेप तो आप बना देते हो पेपर इस टाइप की, लेकिन आपने जो शेप रखनी है वो मोस्टली नुकीली शेप रखनी है, ना कि इस तरह से रखनी है। तो अलग अलग शेप भी बनाई जाती है इसकी। फिर आती है आपकी ड्रॉइंग शीट। ड्रॉइंग शीट आपने देखनी होती है कितनी हार्ड है, कितनी सॉफ्ट है, पेज कैसा है, किस भी तरह से है। ड्रॉइंग शीट तो जो चीज टच करोगे उसे जो पार्ट उसका सॉफ्ट लगेगा उसको उसके ऊपर आप ड्रा करोगे और हार्ड शीट को नीचे लगाओगे। ड्रॉइंग शीट यूज करते हुए आप सेलो टेप, पिन, क्लिपर किसी का भी यूज कर सकते हो।
ये आपके मिनी ड्राफ्ट है। मिनी ड्राफ्ट का यूज आजकल मोस्टली किया जा रहा है क्योंकि मिनी ड्राफ्ट से हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइनें एक साथ लगा सकते हैं और इससे हम एंगल भी ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और एंगल। पहले जैसे टी स्क्वायर का यूज करते थे वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए होता था, सेट स्क्वायर का यूज करते थे वो सिर्फ वर्टिकल लाइन लेने के लिए होता था और डी का यूज करते थे जो कि सिर्फ एंगल का यूज करते थे। लेकिन अब मिनी ड्राफ्टर आ गया, मिनी ड्राफ्टर मोस्टली यूज किया जाता है जहाँ पर कम काम होते हैं, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, छोटी छोटी ड्रॉइंगे बनाने के लिए ड्राफ्टर, मिनी ड्राफ्टर का, जहाँ पर आपकी वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन एक साथ लग जाती है और साथ ही साथ आप इसका एंगल भी ले सकते हो। तो इस तरह से आप जो है ड्रॉइंग का यूज करते हो इंस्ट्रूमेंट का। तो इसलिए आजकल टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर और प्रोट्रैक्टर का यूज कम हो गया है क्योंकि ये सब की सब चीजें एक साथ हमें मिनी ड्राफ्ट में मिल रहा है, सारा काम हम उसी से कर रहे हैं। फिर है आप जैसे आप इरेजर का यूज करते हो, इरेजर का यूज हमेशा लेफ्ट टू राइट करना चाहिए, पेंसिल का यूज भी हमेशा लेफ्ट टू राइट करो और अप टू डाउन ताकि सीट आपकी खराब ना हो। एक कपड़ा रखो अपने साथ व्हाइट कलर का ताकि जो भी डस्टिंग हो आपकी सीट पे तो उसे दूर किया जाए और आपकी सीट खराब ना हो।